तो आप भी रिलेशनशिप में हैं, एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं अगर आप जहाँ आपकी फीलिंग की कोई केयर ना हो, आपकी फीलिंग की कोई इंपॉर्टेंस ना हो, आपको किस बात से बुरा लगता है, किस बात से आपको अच्छा लगता है सामने वाले पार्टनर को ये तक नहीं पता है, आप परेशान रहते हैं उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको किस बात से गुस्सा आता है उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता है, गुस्सा होने के बाद भी वो वही काम कर रहा है जिससे आपको बुरा लगता है, गुस्सा आता है और फिर भी वही काम में कंटिन्यू है, तो यार रिलेशनशिप का क्या फ़ायदा है? जब हमारी फीलिंग को कोई ना समझे, हमारे इंपॉर्टेंस ना हो उसकी लाइफ में, तो ऐसे रिलेशनशिप में रहकर क्या फ़ायदा है? दिन भर आप डिप्रेस रहेंगे, दिन भर आप इनसिक्योर रहेंगे उस रिलेशनशिप के लिए। आप उसमें 101% तो दे रहे हैं लेकिन रिटर्न बैक में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, यहाँ तक कि 10% भी आपको रिटर्न बैक नहीं मिल रहा है। यार आप भी तो यही उम्मीद करते होंगे ना, सामने वाले मेरे फीलिंग समझे, यही उम्मीद करते होंगे मेरी भी इंपॉर्टेंस हो उसकी लाइफ में, एटलीस्ट यार थोड़ी तो इंपॉर्टेंस हो, ये तो एक्सपेक्ट करते ही होंगे ना आप सामने वाले से। आप उसे 101% दे रहे हैं और रिटर्न में आपको 10% भी ना मिले तो क्या फ़ायदा है इस रिलेशनशिप का? यार नहीं रहना चाहिए ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ अपनी इंपॉर्टेंस ना हो, अपनी फीलिंग की इंपॉर्टेंस ना हो, हमारी बात को ना समझे। यार अगर हम उसकी बात ना समझे तब दिक्कत आने लग जाती है, तब लड़ाइयाँ होने लग जाती है कि आप मेरी बात नहीं समझते, आप मेरे को नहीं समझते, मेरी बातों को नहीं समझते। यार क्या बात है, जब मैं तेरी बात समझ रहा हूँ तो उसका भी फर्ज बनता है कि मेरी बात को समझे, मेरी फीलिंग को समझे। बट आज का रिलेशनशिप में समझना कौन चाहता है? अपनी केयर है, अपने आप की केयर है, बस सामने वाला जाए भाड़ में। आज का रिलेशनशिप इस तरह चल रहा है, हर जगह रोक लगाई है, ये मत कर, वो मत कर, इधर मत जा, उधर मत जा, फ्रीडम नाम की चीज़ ख़त्म कर दी गई है। छोटी छोटी बातों पे सवाल है, बाल मत खड़े कर, बाल मत खोल, इधर मत घूम, वहाँ मत जा, फेसबुक मत चला, इंस्टा मत चला, हर जगह रोक टोक, हर जगह ड्रामे, शक नाम का चीज़, हर जगह शक शक शक, हर जगह शक। देखिए शक होता है, मानता हूँ शक आ जाता है रिलेशनशिप में, बट गलत चीज़ों में शक करना सही नहीं है, शक खत्म करता है रिलेशनशिप को। और आज के टाइम में रिलेशनशिप में सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है, प्यार के नाम पे धोखा है, व्यापार है, प्यार इतनी प्यार नहीं है, प्यार का व्यापार चल रहा है आजकल, प्यार रहे कहाँ है? प्यार ये नहीं होता, प्यार का मतलब है जो आपकी फीलिंग को समझे, आप उसकी फीलिंग को समझे, तब जाके रिलेशनशिप चलते हैं। पर आजकल के टाइप ऑफ रिलेशनशिप में प्यार नाम की चीज़ रही कहाँ गई है? सिर्फ और सिर्फ ड्रामे रह गई हैं एक ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ आपकी फीलिंग को नहीं समझता, आपकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझता, और आप धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में इस तरह चले जाते हैं कि आपको ये नहीं पता लगता कि गलती किसकी है, गलती सामने वाले की होती है, फिर भी आप सॉरी बोलते रहते हैं सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप बचाने के लिए। कितना बचाओगे, कितना झुकोगे एक ऐसे रिलेशनशिप के लिए जहाँ आपकी इंपॉर्टेंस ना हो? क्या फ़ायदा यार, डिप्रेशन में चले जाओगे कुछ टाइम बाद, निकल जाओ, छोड़ दो उस चिड़िया को, आज़ाद कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है एक ऐसी चिड़िया के साथ रहकर जो आपकी बात को ना समझे, आपकी फीलिंग को ना समझे। आपकी फीलिंग को समझना बहुत ज़रूरी है, आपके इंपॉर्टेंस होना उसकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है अगर एक अच्छा खुश रिलेशनशिप चलाना चाहते हैं। और अगर चाहते हैं डिप्रेस रिलेशनशिप, दिमाग ख़राब करने वाला जहां आपका फ्यूचर भी बर्बाद हो सकता है, तो ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना है तो आप रहिए, मनुष्यत फैलाइए, अपनी ज़िंदगी ख़राब कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरा फ़र्ज था समझाना कि अगर जहां आपकी कदर ना हो उस रिलेशनशिप से आपको बाहर आना बहुत ज़रूरी है, अभी बाहर आ जाइए, छोड़ दीजिए रिलेशनशिप। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।